coming, sir? Coming. Thank you, sir. Sir, my name is Amil bin Nisar Sheikh. I read in 7th standard at DPS Faksur. My father's name is Nisar Ahmed Sheikh. I am a very confident person. I have a lot of interest in playing cricket. Lot of interest. Playing cricket. हमारे प्रेसिडेंट का नाम द्रौपदी मुर्मू। कितना टाइम हुआ इससे, इनसे पहले कौन थे? सर रामनाथ कोविंद। आप मुझे कोई जेएनके का क्रिकेटर का नाम बोलिए। उमरान मलिक। इससे पहले किसी ने खेला जेएनके से? मुझे लगता है कोई गया था इससे पहले। आपको कोई आइडिया नहीं? मुझे लगता है एक आदमी और भी खेला, लेकिन मुझे भी एग्जैक्टली आप मुझे बताओ, ब्रेन और माइंड में डिफरेंस तो थोड़ा होगा ही। दिमाग तो हो गया ब्रेन, माइंड क्या होता है? सर माइंड जो हम किसी चीज़ में, सर कोई चीज़, सर जो हमने किसी को पढ़ना होता है, सर उसमें हमारा माइंड, सर माइंड आता है। वेरी गुड। साइकोलॉजी कभी नाम सुना है सब्जेक्ट का? नो सर, नहीं सुना। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी है, जैसे दूसरी चीज़ मतलब उर्दू है, हिंदी है। आपने इट इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब माइंड जो है वो दिखाता है आपकी, आप किस नज़रिया, आप कौन सा नज़रिया रखते हो। ठीक है ना, कोई बड़ा तेज़ होता है, कोई किसी को किसी में इंटरेस्ट है, किसी को किसी में इंटरेस्ट है। अब ज्योग्राफी के बारे में आपने बोला है, ज्योग्राफी इसकी कोई डेफिनेशन आप बता सकते हो मुझे? जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? सर हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हवा, ये मतलब एटमॉस्फेयर सुना है आपने? एटमॉस्फेयर क्या होता है? सर हमारे इर्द गिर्द। फिर एनवायरनमेंट में और एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंस है, कुछ है पता है आइडिया इसका? अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी के बारे में चलो सर आप करो शुरू। अच्छा आपका एम है इंडियन आर्मी। अच्छा इंडियन आर्मी, आप इंडियन आर्मी में क्या बनना चाहते हो? मतलब वहाँ बहुत सारी पोस्ट होती है ना, इंडियन आर्मी में भी होंगी बहुत सारी पोस्ट, तो आप क्या बनना चाहते हो? जैसे लेफ्टिनेंट होता है या सिंपल एक सोल्जर होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी किस्म, जैसे कमांडो होता है, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में। तो कौन सा आप बनना चाहोगे? सर कमांडो। कमांडो बनना चाहते हो? अच्छा आप मुझे बताओ, आपको जैसे कि हर एक इंडियन को होना चाहिए एक प्राउड इंडियन, और आप मुझे बताओ इंडिया के फ्लैग में कितने कलर्स हैं? सर मेल नहीं, तीन कलर है। हाँ ट्राई कलर उसको बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ज़ाफ़रान, सैफ्रॉन, सैफ्रॉन ग्रीन एंड वाइट। ओके एक और होता है ना उसमें बीच सेंटर में, वो कौन सा कलर होता है जिससे अशोक चक्र बना होता है? नहीं, अशोक चक्र होता है तो स्पोक्स बने होते हैं उसमें, तो वो नेवी ब्लू है। एग्जैक्टली। तो मुझे ना आर्मी की क्या जरूरत है, मतलब ये प्रोफेशन होना जरूरी है? सर अपनी चॉइस होती है जिसको जो नहीं, मतलब क्या किसी कंट्री को आर्मी रखना जरूरी है? यस सर। क्यों सर? किसी भी कंट्री पर सर कोई भी दूसरी कंट्री सर हमला कर सकती, अगर उनके पास आर्मी नहीं होगी सर वो फिर उनके साथ लड़ नहीं सकती है सर। तो नहीं, लेकिन ये लोग लड़ते क्यों हैं? एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर क्यों मतलब हमला क्यों करती है? इसका सलूशन क्या है? जंग ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो सर, सारी कंट्रियाँ आपस में सर जैसे
बहुत सी कंट्री है किसी दूसरी कंट्री से सर कॉम्प्रोमाइज़ करती है उनको उनके साथ किसी और से जंग हाँ जंग ना हो मतलब सिंपल तरीके मतलब किस तरह से हम जंग को रोक सकते हैं पूरी सारी कंट्रियाँ सर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ठीक है वेरी गुड चलो ठीक विराट कोहली के बारे में आपने लिखा है चलो अब टाइम ही ज्यादा हो गया आपका विराट कोहली को क्यों आपने चुना जबकि अच्छा आप मुझे बोलो मतलब टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं सर एक टीम में 11 खिलाड़ी 11 तो आपने 11 में से एक ही को चुना है क्यों चुना है विराट कोहली यही है उसी को क्यों चुना है बड़े उसके बाद 10 और बचते हैं इंडियन टीम के खिलाड़ी जो हैं वो 10 और बचते हैं इसी को क्यों चुना आपने सर क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है किसी भी सिचुएशन को सर इजीली हैंडल कर सकते हैं तो कभी कोई मैच आपको नया नया ही याद होगा जिसमें मतलब ये लगा होगा कि अगर विराट कोहली नहीं होता तो शायद नहीं जीत पाते टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शाबाश अच्छा रन बनाए थे सर 82 82 वो आपको पता होगा कितनी गेंदों में बनाए थे 82 विराट कोहली की ऐसी कोई क्वालिटी जो हमें लाइफ में कुछ सिखाती है पेशेंस हार्ड वर्क वेरी सबसे जरूरी है हार्ड वर्क किसी भी कोई चीज अचीव करनी तो उसके लिए क्या चाहिए हार्ड वर्क तो वो हार्ड वर्क देखो कितना पसीना बहाते हैं पैसा भी उनके पास आता है इज्जत भी है मतलब शोहरत दौलत सारा कुछ है लेकिन आता कैसे है मेहनत करती है वेरी गुड एक्चुअल में लाइफ में हमें सिखाते ही यही है कि एक तो स्ट्रगल प्रैक्टिस कंटिन्यू किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है जो भी हमें अचीव करनी है उसको कंटिन्यूअसली उसके पीछे भागना है उसके लिए काम करना है और आखिरी दम तक फिर चाहे इंसान मिले ना मिले लेकिन आखिरी दम तक उसके लिए लड़ना कोशिश करें वेरी गुड ऐसे अगर कंसंट्रेट रहेगा आदमी तो जो भी है वो अहम रखेगा उसमें सक्सेसफुल होगा वेरी गुड शाबाश आप जा सकते हो